हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के ढोकला। ये देखिए, हमने टोप में एक कटोरी दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट करके उसमें 1.5 कप सूजी डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अभी 10 मिनट हो चुके हैं। इसको एक बार हम फिर से हिला लेंगे। ये देख कितनी अच्छे से हमारी सूजी फूल चुकी है। अब इसमें एक इनो डालेंगे, 1 पैकेट। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए हमारा बेटर डबल हो चुका है फूलने के बाद। ये देखिए, अब हम इसको तेल लगा के अच्छे से केक टिन में तेल लगा लेंगे, फिर इसके बाद इसमें बेटर डाल देंगे। अब हम कढ़ाई रखे गैस पे, उसमें 1 लोटा पानी डालेंगे, उसमें स्टैंड रख देंगे। स्टैंड रखने के बाद देखिए, हमने ढोकला का बेटर इसमें रख दिया है। ऊपर से थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल देंगे, इससे कलर थोड़ा अच्छा दिखता है। अब इसको ढक के 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, हमारा चाकू कितना अच्छे से निकल रहा है, मतलब हमारा ढोकला पक चुका है। इसको बाहर निकालेंगे। अब इसको पलट के देखते हैं हमारा पीछे से कैसा हुआ ढोकला। ये देखिए, कितना अच्छा हमारा ढोकला पक के रेडी हो चुका है। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया। ये देखिए, स्पंजी बना है हमारा ढोकला। अब इसको कट लगा लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा फूला हुआ है हमारा ढोकला। आप भी बना सकते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से। ये देखिए, हमारा ढोकला कट के रेडी हो चुका है। आज हमने इसमें तड़का नहीं डाला, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, इसके लिए हमने चटनी बना के रखा है। ये देखिए, हमारा ढोकला कितना अच्छे से फूला हुआ है। देखिए, झटपट बनने वाला ढोकला हमारा। ये देखिए, चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखिए, हमने नारियल की चटनी बनाया, बहुत टेस्टी लग